हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6.5 करोड़ किसानों के खातों में 12,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। 6 करोड़ किसानों के लिए 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जारी किए हैं। यदि आपने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है तो अभी भी आपके पास समय है, पोर्टल पर जाकर स्वयं पंजीयन कर लें। मोबाइल से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अभी तक आपकी एक भी किस्त नहीं आई है या एक किस्त ही आई है तो भी आपको अपने आवेदन की स्थिति जांचकर उस आवेदन में सुधार कर लेना चाहिए। आपका आवेदन पूरी तरह से यदि कंप्लीट हो जाएगा तो अगले 15 दिनों में आपके खातों में पैसा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को तुमकारू, कर्नाटक का एक शहर है, वहाँ पर वे गए थे और होशंगाबाद जिले की महिला किसान कंचन वर्मा और शिवलता महतो को गेहूं और चना में अच्छी उत्पादकता के लिए सम्मानित किया। दोनों किसान परिवार तुमकारू पहुंच गए हैं। यह पुरस्कार क्रमशः 2016-17 और 2017-18 के लिए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला किसानों को प्रगतिशील किसान कृषि कर्मण अवार्ड से भी नवाजेंगे और उस अवार्ड के तहत 2 लाख रुपए देकर सम्मानित करेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड भी दिया जाएगा जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी 2 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार को देंगे। अच्छी बात है। ये 2 महिला किसान हैं, इन्होंने अपने बलबूते पर खेती में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर देश में हो, जिसके कारण दोनों महिला किसानों को प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा है और प्रत्येक को 2-2 लाख रुपए दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त जारी की है। उन्होंने किसानों को कृषि कर्मण अवार्ड वितरित किया है। दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के लिए इस योजना से 6 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। पहली 2 किस्त में देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस योजना में हर 4 महीने में प्रत्येक लाभार्थी को 2,000 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये आप सभी को पता है। प्रधानमंत्री 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को इसका प्रमाण पत्र सौंपेंगे और इससे किसानों को लाभ होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार आज 6.5 करोड़ किसानों के खातों में 12,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करेगी। लाभ के लिए कर सकते हैं आप रजिस्ट्रेशन। किसी भी किसान को इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अधिकारियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी किसान पोर्टल पर जाकर खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसका उद्देश्य सभी किसानों को स्कीम से जोड़ना और रजिस्टर्ड लोगों को समय पर लाभ पहुँचाना है। इसलिए आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर पहली किस्त हो या फिर दूसरी किस्त हो अभी तक आपके खातों में नहीं पहुंची है तो आप अपने आवेदन की स्थिति देख लें और अपना पंजीयन करा लें या फिर आवेदन में सुधार कर लें। आपके खाते में भी सुधार के बाद अगले 15 दिनों में राशि आ जाएगी। तो मैं आपको आपके आवेदन की स्थिति बताऊंगा कि आप अपने आवेदन की स्थिति कैसे चेक करेंगे और आप अपना नया पंजीयन कैसे कराएँगे। तो चलिए देखते हैं, अब हम आवेदन की स्थिति देखेंगे। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एमपी किसान ऐप डाउनलोड करना होगा। इस प्रकार से एमपी किसान ऐप है, आप यहां से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं, समग्र आईडी से या फिर खसरा नंबर से। तो समग्र आईडी मैंने डाल रखी है, उससे आप देख लें कि आपके खाते की स्थिति क्या है। इस पर टैप करें आप, खसरा नंबर से आप जानकारी देख सकते हैं। खसरा नंबर आप अपना यहाँ पे जिला चुनें, जिला आप कोई सा भी जो भी आपका जिला हो वो चुन ले, जैसे हमने छिंदवाड़ा चुन लिया। उसके बाद तहसील चुन लें, तहसील आप कोई से भी चुन लें जो आपकी तहसील होगी, जैसे हमने परासिया चुन लिया। उसके बाद आप इसमें ग्राम चुन लें, आपका जो गांव होगा वो, जैसे हमने उरगन चुन लिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर खसरा या खाता चुने, इसमें दिखा देगा कि उर्गा गांव में कितने सारे किसान हैं। इस प्रकार से आपका जो भी होगा नाम वो आप चुन लें, जैसे हम
शिव प्रसाद को चुन लेते हैं। मैं दिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, और इस पर सबमिट कर दें। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपके खाते की स्थिति, भूमि स्वामी का नाम मतलब किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, फिर आप पुरुष हैं महिला हैं, जाति है आपकी क्या है, बसरा नंबर खसरा नंबर है वो हिस्सा 1/2, परिवार के मुखिया आप हैं, आधार नंबर दे दिया, समग्र आईडी दे दिया, खाता नंबर दे दिया और आईएफएससी कोड सारी जानकारी दे दिया। क्या आधार नंबर अन्य खातों में उपयोग हुआ है? नहीं। क्या समग्र आईडी अन्य खातों में उपयोग हुई है? नहीं। क्या पीएम किसान योजना के लिए अपात्र हैं? नहीं, मतलब पात्र हैं। क्या आपका खाता पीएम किसान के लिए केंद्रीय पोर्टल पर भेजा गया है? हाँ, भेजा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए सबमिट किया है राज्य सरकार ने। अब आपको किस्त मिल रही होगी, और यदि आपकी किस्त नहीं मिल रही होगी तो आपने आधार या कहीं ना कुछ दिक्कत होगी, या नाम में जैसे शिव प्रसाद है तो वहाँ पे फॉर्म भरते समय पटवारी ने या फिर जो भी वहाँ ऑपरेटर रहेगा उसने शिव राम लिख दिया होगा, तो उसके कारण दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको उसमें सुधार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको वेबसाइट पर ले जाता हूँ। लेकिन आप अपने आवेदन की स्थिति एमपी किसान ऐप से जान सकते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं। फसल स्व घोषणा दावा आपत्ति गिरदावरी ऐप है, ई उपार्जन ऐप है, पीएम किसान है, खसरा खतौनी है, कृषि उर्वरक है, प्रोफाइल शायद सब प्रकार की जानकारी आप इसमें से ले सकते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए तो हमने देख लिया, अब आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपको जाना होगा गूगल पे। गूगल पे आप जाएं और वहाँ पे आप वेबसाइट लिखें, वेबसाइट है आपकी www.pmkisan.nic.in। ये हमने टेप कर दिया, जैसे आप टेप करोगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद में वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, वेबसाइट पे हम जा रहे हैं सीधे और ये वेबसाइट खुल गई। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देखें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट है। आपको यहाँ पे किसान कोना पे जाना है, किसान फार्मर पे नया किसान पंजीकरण करना है, वहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर आपके आधार में कोई गलती हुई है त्रुटि हुई है उसमें सुधार कर सकते हैं, अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। स्व पंजीकृत किसान, यदि आपने पंजीकरण कर लिया है तो आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको क्या पंजीयन करना है तो यहाँ से आप पंजीयन करें। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, आपका आधार नंबर जो भी होगा आप उसको डाल दें, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने बहुत सुविधा दी है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, आप इसमें कर सकते हैं घर बैठे। उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज ध्यान से भरना है, UFL4UR कैप्चा लिखना है, उसके बाद आप इस पर अपलोड कर दें। यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड विथ गिवन डिटेल्स, मतलब जो हमने आधार नंबर डाला है उस पर यह आवेदन जमा नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमको नया पंजीयन करना है तो यहाँ लिखा है दिए गए विवरण के साथ रिकॉर्ड नहीं मिला, क्या आप पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकरण करना चाहते हैं? तो जी हाँ, करना चाहते हैं। यहाँ पे टैप करें, टैप करने के बाद में नया पेज खुलेगा, नया पेज इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, तो यहाँ आप अपना स्टेट जो भी आप जिस स्टेट से होंगे वो लिखें। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मध्य प्रदेश से हैं तो हम मध्य प्रदेश लिख देते हैं, लिखना कुछ नहीं वो खुद ही आ जाता है। आप जो भी ज़िले से होंगे वो ज़िला लिख दे, कोई भी लिख, जैसे हम ग्वालियर डाल देते हैं, आपका जो ज़िला होगा वो आप डालें। सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से आ जाएगी, आप कोई सी भी डाल दें जो आपकी होगी। उसके बाद ब्लॉक जो आपका होगा वो डाल दें, उसके बाद विलेज डालें, आप विलेज आपका जो गांव होगा वो डालें। ठीक है, इस प्रकार से
अपना नाम लिखें या आपको यहाँ पे लिखना होगा, फिर जेंडर लिखना होगा, उसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ टेप करें तो आ जाएगा मेल फीमेल और अदर, जो भी आप होंगे वो आप टिक लगा दें। कैटेगरी में आप एससी एसटी ओबीसी जनरल जो भी हो, ओबीसी का यहाँ दिया नहीं है लेकिन जनरल और अदर में आपको ओबीसी वाले भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से आप डालते जाएं, कोई भी कॉलम छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो आगे बढ़ने नहीं देगा। फार्मर टाइप, फार्मर टाइप में आपकी ज़मीन पूछी है, इन्होंने यहाँ पे स्मॉल मतलब एक हेक्टेयर या दो हेक्टेयर से कम है या उसके बराबर है तो आप इस पर टेप कर दें, या उससे ज़्यादा है तो फिर नीचे वाले आधार पर टेप करें, ठीक है। उसके बाद आपको आधार, अपनी आधार संख्या डालना है, फिर आईएफएससी कोड बैंक की और बैंक का नाम डालना है। आप बैंक की पावती से आप यहाँ सब डाल सकते हैं, आईएफएससी कोड भी आप बैंक की पावती से मिल जाएगा आपको। यदि बैंक की पावती में नहीं है तो आप बैंक में जाकर के पता कर लें, आपको दे दिया जाएगा। अकाउंट नंबर और आप एड्रेस, एड्रेस में आपको जनरली आपको पिन डालना होता है, यहाँ पे आप पिन डाल दें जो भी आपका पिन होगा। उसके बाद में फिर मोबाइल नंबर डाल दें अपना, फिर डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो आपकी होगी या फिर जिस डॉक्यूमेंट को आप सबमिट कर रहे होंगे वो डेट ऑफ बर्थ डालें। आधार कार्ड में जनरली डेट ऑफ बर्थ दी जाती है तो वो वाली आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका सिंगल खाता है या ज्वाइंट है उस पर टेप करें, ठीक है। उसके बाद में ये आई सर्टिफाई दैट ऑल दी गिवन डिटेल आर करेक्ट, प्लीज़ रीड दी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। मतलब आपको इस पर टिक कराना है, मतलब मैंने जो भी डिटेल दी है वो पूरी सत्य है। उसके बाद सेव पे टेप कर दें, सेव पे टेप करोगे तो वो अगले इसमें आपको पहुंचा देगा और वहाँ पे जो जानकारी कुछ मांगी जाएगी जैसे आधार कार्ड अपलोड करना और पावती अपलोड करना ज़मीन की और आपकी बैंक पावती, ये सब अपलोड कर दें आप। ध्यान से भरें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप भर सकते हैं। और भी कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो इस प्रकार से जानकारी थी, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।